हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 23 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखो, कल वीडियो बना तो लिया गया था, बट जब पब्लिश किया गया तब कुछ एरर आ रही थी, तो वो वीडियो बाद में भी पब्लिश नहीं हो पाया। इवन आज मैंने मॉर्निंग में भी उस वीडियो को पब्लिश करने की कोशिश की, बट उसमें कुछ यूट्यूब की तरह से एरर आ रहा था, तो फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट करके जो आज की हमारी डिस्कशन है उसी के साथ कल की न्यूज को यहाँ पे कवर है वो कर दिया है। पहली जो हमारी यहाँ पे न्यूज आई है आज, वो आई है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। देखो, मिशन इंद्रधनुष है क्या? मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में लॉन्च वो किया गया था। और देखो, मिशन इंद्रधनुष का टारगेट ये रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे देश में जो इम्यूनाइजेशन कवरेज या जो टीकाकरण अभियान है ना, वो काफी पीछे है। मतलब कि काफी सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, छोटे बच्चों की, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका समय पर टीकाकरण वो नहीं हो पाता है। तो उन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट ये रखा गया था कि 2 साल तक के बच्चे और इसी के साथ ही जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन सभी का जो भी टीकाकरण है, जैसे खसरे के और भी तरह के टीके लगते हैं स्टार्टिंग में, वो सभी टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद में देखो, इसका क्या हुआ, एक सेकेंड फेज लॉन्च किया गया जिसका नाम था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI। ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या था? वही मिशन जो इंद्रधनुष था, इसी का आप बोल सकते हो कि एक सेकेंड वर्जन था। इस वर्जन में ये किया गया, ये 8 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था 2017 में। टारगेट ये था कि 2 साल तक के जो भी हमारे देश में बच्चे हैं वो, और इससे के साथ जितनी भी हमारे देश में प्रेग्नेंट माताएं हैं, उनको एक्चुअली टीकाकरण है वो सुनिश्चित करवाया जा सके। ये आप इसका टारगेट है वो रखा गया था कि किसी भी हालत में कोई भी महिला है वो ना बच पाए। पर देखो, आपको पता है कि फिर भी कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, कई बार पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई बार है कहीं ना कहीं जैसे टीकाकरण वगैरह समय पर नहीं हो पाता है। तो इसका टारगेट क्या रखा गया था? इसका मेन जो टारगेट था वो रखे गए थे अर्बन स्लम एरियाज, क्योंकि देखो स्लम एरिया में टीकाकरण हो नहीं पाता है टाइम पर और वहां पे गंभीर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो लो कवरेज पॉकेट एरिया, मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल की रीच नहीं हो पाती है, काफी दूर दराज के एरिया है, रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे नॉर्मली हॉस्पिटल वगैरह की या टीकाकरण अभियान नहीं पहुंच पाते सही ढंग से, उन एरिया को फोकस किया गया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में। अब देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया, या हम बोल सकते हैं कि तीसरा फेज, जिसका नाम था मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। ये किस लिए लॉन्च किया गया? टारगेट वही सेम था कि हमारे देश में कोई भी एक सिंगल बच्चा है और कोई मतलब लेडी है वो ना बचे जो कि टीकाकरण से अधूरी रह जाए, यानी कि सभी को टीकाकरण में शामिल करने के लिए एक वर्जन है वो लॉन्च किया गया था। 2 साल तक के सभी बच्चे और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इसमें शामिल स्कीम में है वो किया गया है। जहां भी लो इम्यूनाइजेशन यानी जहां भी टीकाकरण बहुत कम हुआ है, उन एरिया को मेनली ज्यादा फोकस किया गया है। और जितने भी एरिया, देखो रिमोट एरियाज नहीं, जहां कहीं भी अगर जो फर्स्ट और सेकंड फेज में जो लोग रह गए थे या फिर जो बच्चे और जो महिलाएं रह गई थी उनको कवर करने के लिए ये वर्जन है वो लॉन्च किया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष सेकंड वर्जन। इसमें एक मिनिस्ट्री नहीं है कि आप सोचो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यह इनिशिएटिव है, नहीं, इसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अलावा भी और भी बाकी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनका कोलैबोरेशन है, तो वो सारी मिनिस्ट्रीज हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, एक इंद्रधनुष प्लान था वो अलग था, ये आप ध्यान रखना। मिशन इंद्रधनुष है वो तो है टीकाकरण के लिए, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक इंद्रधनुष प्लान था वो था इकोनॉमिक्स रिलेटेड। उसमें ये था कि जो बैंक वगैरह है इनको पैसे देने की कुछ बात है वो की गई थी, तो वो अलग है इंद्रधनुष प्लान और मिशन इंद्रधनुष अलग है, इनमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बुदापेस्ट कन्वेंशन के बारे में। देखो, जब भी आपको बुदापेस्ट कन्वेंशन का कहीं नाम सुनने को मिले तो आप समझ जाना कि वर्ल्ड की है पहली ऐसी कन्वेंशन थी जो कि साइबर क्राइम को काउंटर करने के लिए, साइबर क्राइम के ऊपर चर्चा करने के लिए स्टार्ट है वो की गई थी। यानी कि जो भी इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम जिसे हम बोलते हैं, उनको काउंटर करने के लिए बुदापेस्ट कन्वेंशन का आयोजित है वो किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी वैसे यूरोपियन यूनियन में, तो स्टारबक्स एक जगह है फ्रांस में, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा। इसकी अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स थे वो कनाडा भी था, जापान था, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, अभी तक ये जो हम बात करें बुदापेस्ट कन्वेंशन है, ये सही ढंग से एक्टिव है वो नहीं हो पाई है। इस सितंबर 2019 तक लगभग इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनकी संख्या है 64, और अभी और रेक्टिफाई कर देंगे तो इसके बाद इस कन्वेंशन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट है वो किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है इस कन्वेंशन को लेके कि केवल यूरोपियन जो यूनियन है या काउंसिल ऑफ यूरोपियन है वही इसके मेंबर बन सकते हैं, कोई भी कंट्री है ऑलरेडी वो इसकी मेंबर है वो बन सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल हुआ है पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। देखो, पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है ना, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था,
1982-83 के टाइम पे, यानी कि 1982-83 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल कलाम, उनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IGMDP प्रोग्राम। कब लॉन्च किया गया था? 82-83 के टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि देखो, हम जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह थे ना, मिसाइल वगैरह, वो सारी हम आपको पता है बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, यानी कि इंडिया मेनली सारा जो सामान था वेपन्स वगैरह बाहर से इम्पोर्ट कर रहा था। हमारे पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें हर मिसाइल वगैरह के लिए बाहर डिपेंड रहना पड़ रहा था। तो अब्दुल कलाम जी ने सोचा कि भाई हम इंडिया में ही एक प्रोग्राम चलाते हैं और हमारे देश में ही मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बूस्ट करते हैं, और उसी दौरान ये प्रोग्राम वो चलाया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत पहली जो मिसाइल बनाई गई थी उसका नाम था पृथ्वी। फिर देखो, पृथ्वी के अलग अलग वर्जन हैं, वो लॉन्च किए गए थे पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो अभी जो पृथ्वी सेकंड है, इसका एक वापस से टेस्टिंग वगैरह है वो की गई है, उसी को लेके न्यूज आई है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब कि सरफेस से लॉन्च की जाएगी और फिर सरफेस पे आके गिरेगी, वही नुकसान पहुंचाएगी। रेंज कितनी है? रेंज है इसकी 350 किलोमीटर। अगर हम बात करें इसके जो कि मतलब कितना वार हेड लेके जा सकती है, कितनी बारूद वगैरह ये, तो लगभग 500 से 1000 किलो के आसपास ये वार हेड, जो बारूद जैसी चीजें हैं, उनको लेके जा सकती है। और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, यानी कि इसको न्यूक्लियर वेपन के थ्रू तौर पे भी इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। और जो पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है, इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो लिक्विड होता है, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि दो इंजन होते हैं, दिखा हुआ देखो, ट्विन इंजन और लिक्विड प्रोपल्शन होता है, मतलब उसमें लिक्विड फ्यूल का यूज करते हुए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे बैक्टीरियोफेजेस के बारे में। देखो, बैक्टीरियोफेजेस है क्या? बैक्टीरियोफेजेस ना वो एक तरह का एक वायरस है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है कि बैक्टीरियोफेजेस मतलब कोई बैक्टीरिया होगा। है यह वायरस जो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला जो वायरस है इसका नाम है बैक्टीरियोफेजेस। तो अभी देखो, नए नए बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि जो हम दवाई लेते हैं तो वो बॉडी है वो एंटीबायोटिक डेवलप कर मिल लेती, एंटीबॉडीज है वो डेवलप कर लेती है, वो मेडिसिन ढंग से काम नहीं कर पाती। मेनली ऐसा हम केस देखते हैं टीबी या और भी काफी सारी ड्रग्स में। तो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन हमारी बॉडी में बन जाते हैं काफी सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उनको काउंटर करने के लिए इस बैक्टीरियोफेजेस को डिस्कवर किया गया है। ये क्या करेगा? ये जो बैक्टीरियोफेजेस यानी जो वायरस है, ये वायरस क्या करेगा, उन जो खतरनाक बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन डेवलप कर देते हैं, उनको खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज को काउंटर करने के लिए नई स्टडी है, या बोल सकते हो कि इस मेथड का यूज है वो किया जा रहा है। होगा क्या? देखो, जो बैक्टीरियोफेजेस जो एक वायरस का टाइप है ना, यह करता है कि जो आरएनए और डीएनए होते हैं ना, देखो हर चीज में आपको पता है कि आरएनए डीएनए तो होते होते हैं, तो उन आरएनए और डीएनए के चारों तरफ एक अपना कैप्सूल लेयर से बना लेता है और फिर ये आगे काम है वो करता है। अब है क्या, ये देखो जो बैक्टीरियोफेजेस वायरस है ये हर जगह पाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि सर्वत्र या कहीं भी पाया जाने वाला कोई भी चीज। तो वायरस है तो मतलब ये वायरस हर जगह पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर भी ये वायरस है वो पाया जाता है। तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए काफी अच्छा इसका यूज है वो किया जा सकता है। तो अभी इसकी नई स्टडी है वो सामने पब्लिश की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये वैसे कल का आर्टिकल है, हांगकांग कन्वेंशन के बारे में। देखो, हांगकांग कन्वेंशन है क्या? हांगकांग कन्वेंशन वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, किस लिए? सेफ एंड इन्वायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ सिर्फ 2009 में इसको आप बोल सकते हो कि अडॉप्ट करने की बात है वो की गई थी, और जो चाइना की ही एक जगह है हांगकांग जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे इसको आप बोल सकते हो कि अडॉप्ट है वो किया गया था डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के तहत। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो हांगकांग कन्वेंशन है ना, इसको जो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जो कि आपको पता है कि UN की एक क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है इस कन्वेंशन को। ये कन्वेंशन है क्या वो हम देखते हैं। हांगकांग कन्वेंशन ये सुनिश्चित करती है कि भाई जो भी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, इनको देखो जब वापस से रिसाइकिल, आप बोल सकते हो कि जब इनको तोड़ा फोड़ा जाता है, जैसे कि शिप खराब हो गई काफी लंबे टाइम बाद, इसको तोड़ फोड़ करके वापस रिसाइकिल करना है, तो उस दौरान देखो शिप को तोड़ना आसान नहीं होता है वो, क्योंकि शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं और काफी ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, तो एक आप बोल सकते हो कि बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती है। इसीलिए वो सेफली तरीके से और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। देखो, होता क्या है, जब भी किसी शिप वगैरह को या बड़े जहाजों को तोड़ा जाता है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शिप को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, काफी तरह के हजार्डस केमिकल वगैरह हैं उनका यूज करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान है वो पहुंचाते हैं।
बट एक फायदा भी होता है, जो गरीब यहाँ बात करें डेवलपिंग करती हैं वो मेनली ज्यादातर सिप को तोड़ फोड़ती हैं या सिप को रिसाइकल करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज काफी अच्छा होता है। जैसे हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बांग्लादेश का, वर्ल्ड के जो मैक्सिमम सिप वगैरह हैं उनको रिसाइकल किया जाता है बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में देखो गरीबी बहुत ज्यादा है और वहां पे ह्यूमन लेबर काफी ज्यादा है, तो मतलब लेबर उनको सस्ती मिल जाएगी। कोई भी सिप का मालिक है उसे अपनी सिप को तोड़वाना फोड़ना है तो वो बांग्लादेश भेजेंगे, वहां पे लेबर काफी सस्ती है तो इजिली उसको थोड़ा फोड़ा जा सकता है, खर्चा कम आएगा। बट नुकसान क्या है इसके? इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो अगर गरीब कंट्री है इन्वायरमेंट पे भी नुकसान हो रहा है तो ऑल ओवर उनको तो हेल्थ का भी बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा और कंट्री शॉर्ट टर्म के बेनिफिट को देखते हुए लंबे नुकसान में चली जाती है। तो ये कन्वेंशन ये सुनिश्चित करता है कि भाई आप ऐसा नहीं हो कि इन्वायरमेंट को लगातार नुकसान पहुंचाए जाओ और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हो और बस सिप जो सिप वगैरह है उनकी रिसाइकिल पे ही फोकस कर रहे हो। तो इसी कन्वेंशन को लेकर फोकस यहाँ पे किया गया है। न्यूज देखो बेसिकली ये थी कि हमारे देश में अभी गवर्नमेंट बिल लाने की कोशिश कर रही है कि जो हांगकॉन्ग कन्वेंशन है सिप को रिसाइकल करने के लिए, इसी फोकस पे हम भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह वो जारी करें। ये उन कैबिनेट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है तो वो भी हम देखेंगे। जैसे देखो कुछ फैक्ट दिया गया है इंडिया में, इंडिया के बारे में भी, कि एक तो जो हांगकॉन्ग कन्वेंशन है वो ये कहती है कि जहां पे भी सिप को वापस तोड़ा फोड़ा जा रहा है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो मतलब सुटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही खराब माहौल में सिप को तुड़वा फुड़वा रहे हो तो लेबर को भी काफी नुकसान हो रहा है, हेल्थ इश्यूज वगैरह नहीं होने चाहिए। इसी के साथ ही और बात करें तो ये जो कन्वेंशन है हांगकॉन्ग कन्वेंशन, ये अभी रेक्टिफाई नहीं किया गया 15 कंट्रीज के द्वारा भी। मतलब जब तक ये कन्वेंशन 15 कंट्रीज रेक्टिफाई नहीं करेंगी तब तक ये एक्टिव भी नहीं आएगी, इसके रूल इंप्लीमेंट भी नहीं होंगे। इसी के साथ देखो इसमें दिया गया है कि वर्ल्ड की जितनी भी जो सिप वगैरह तोड़ी फोड़ी जाती है उसका लगभग 30% जो मार्केट है सिप रिसाइकल इंडस्ट्रीज का वो अकेले इंडिया के अंडर है। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में एक लेबर काफी सस्ती है, या आप बोल सकते हो कि जो सिप रिसाइकल इंडस्ट्री है, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेबर इंसेंटिव सेक्टर होता है, मतलब काफी लोगों को रोजगार मिलता है, इसीलिए जिन कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में सिप इंडस्ट्री जो रिसाइकल इंडस्ट्री है इसको ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ज्यादा कोई स्किल की जरूरत होती नहीं है तो जो आम दिहाड़ी लेबर होते हैं उनके द्वारा इसको तोड़ा फोड़ा जाता है। बट इसके जो सीरियस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बहुत देखने को मिलते हैं, तो उसी को लेकर आर्टिकल में कंप्लीट फैक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 3S प्रोग्राम। देखो 3S प्रोग्राम है वो किसका है? WHO, इनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह 3S प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है। 3S का मतलब यहाँ पे है, पहले S का मतलब स्मार्ट, दूसरे का सेफ्टी, तीसरे का सर्विलांस। ये देखो प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो वर्ल्ड में टीकाकरण या और भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनमें मतलब स्मार्ट तरीके से उनको यूज किया जाए और सेफ्टी की जाए। ऐसा नहीं हो कि आप मेडिसिन या ड्रग्स का यूज कर रहे हो, कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। सर्विलेंस का मतलब पूरी निगरानी भी होनी चाहिए कि रिजल्ट क्या रहा है, आउटकम क्या आ रहा है। तो इन तीन चीजों को फोकस करते हुए इस पे फोकस है वो किया जा रहा है 3S प्रोग्राम पे। तो अभी देखो हमारी गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे फोकस किया है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है वो करने की बात कही है। क्या इसमें और फैक्ट 3S में? हाँ ये दिए गए कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने देखो अभी कुछ टाइम पहले ही रोटा वायरस वैक्सीन मतलब उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था कि भाई रोटा वायरस जो वैक्सीनेशन है इसका यूज करते हुए टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी 3S प्रोग्राम का यूज किया जाएगा कि स्मार्ट तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए और सर्विलेंस रखी जाएगी कि रोटा वायरस वैक्सीनेशन का रिजल्ट है वो क्या रहा है। देखो हमारे देश में ये जो प्रोग्राम है 3S प्रोग्राम को कि हेल्थ मिनिस्ट्री और जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSC है वो अपने अंडर या अपनी निगरानी में इस प्रोग्राम को अंजाम है वो देने वाले हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इद्रिस इल्बा के बारे में। देखो इद्रिस इल्बा है ना वो एक तरह एक ततैया है, ततैया मतलब कीड़ा है, वॉस्प है, ये आप ध्यान रखना, एक टाइप का कीड़ा है, इसका नाम है इद्रिस इल्बा। इसको अभी डिस्कवर किया गया है मेक्सिको में। इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि ये जो ततैया है ना ये खुद मतलब अपने अंडे में नहीं जीता है, यानी अपना जो आप बोल सकते हो कि अंडा होता है उसमें नहीं रहता है, ये दूसरे अंडे के अंदर पाया जाता है, यानी दूसरे जो और तरह के ततैया होते हैं और टाइप के, उन अंडों में उन ततैयों के अंडों में ये परजीवी के तौर पे पाया जाता है, यानी कि पैरासाइट के तौर पे पाया जाता है। दूसरे जो और भी तरह कीट पतंगे हो सकते हैं, जैसे आपको पता है कीट पतंगे होते हैं वो तो काफी तरह तरह के होते हैं, तो और भी तरह के जो कीट पतंगे होते हैं उनके अंडों में ये इद्रिस इल्बा जो ततैया है वो अपने अंडे देता है और वहीं पे उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो इसी को लेके आर्टिकल में डिस्कवरी की गई है, मतलब न्यूज आई है कि एक नया इस तरीके का ततैया है वो डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, मेक्सिको में।
और यूपीएससी ज्यादा अगर पूछे तो ये पूछ सकती है कि ये मतलब कौन सी वेजिटेबल वगैरह में कहाँ ज्यादा नॉर्मली पाया जाता है। तो देखो जो मतलब आपको पता पत्ता गोभी जैसी जो चीजें होती है ना, वहां पे मेनली ज्यादा है वो पाया जाता है ऐसे पेस्ट वगैरह में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुवारिकपा के बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुवारिकपा है क्या, यानी कि NISR। देखो अभी हमारी यूनियन कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुवारिकपा के लेके अनुमति है वो दी है। कहाँ पे, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके लेह वाले इस एरिया में है। क्या ये सुवारिकपा? देखो सुवारिकपा ना एक ट्रीटमेंट की थेरेपी है, जिस तरीके से हम आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथिक जो मेडिसिन का तरीका जानते हैं, उसी तरीके से यह भी एक मतलब मेडिसिन का तरीका है। कुछ हद तक यह जो आयुर्वेद है उससे सिमिलर है। इसका जो ओरिजिन है सुवारिकपा का, वो ओरिजिन हुआ हुआ है अगर हम बात करें तो तिब्बत से, यानी कि तिब्बत से ये जो मेथड है ट्रीटमेंट का वो ओरिजिन हुआ था, और हिमालय बेल्ट में काफी ज्यादा फैला हुआ है क्योंकि तिब्बत भी हिमालय बेल्ट का हिस्सा है। तो इंडिया के भी जो हिमालय वाले हिस्से हैं, जैसे हम बात करें कि कुछ हिस्सा आ जाता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख वाला हिस्सा है वो आ जाता है, इसके साथ ही कुछ हिमाचल प्रदेश वाला, अरुणाचल प्रदेश, इन वाले बेल्टों में इस थेरेपी के बारे में ज्यादा फोकस है वो किया जाता है। और अगर हम बात करें और कंट्रीज में, तो इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, मंगोलिया, रसिया, इन कंट्रीज में भी इस मेथड पे या इस ट्रीटमेंट प्रणाली पे फोकस है वो किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सोवा रिग्पा थेरेपी है वो आयुर्वेदा से सिमिलर है। और एक छोटा सा फैक्ट ये भी है कि जो युटगोंग गोनको थे, गोनपोक थे, वो तिब्बत के एक पर्सन थे, तो उनको लेके कहा जाता है कि भाई वो इस मेथड के, जो सोवा रिग्पा ट्रेडिशनल मेथड था, इसके जनक थे। तो उसी को लेकर आर्टिकल में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019। देखो अभी यूनियन कैबिनेट ने नए जो लेबर कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके वो जारी किए हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जारी किए गए हैं कि लेबर रिफॉर्म्स के लिए, ये एक तो ध्यान रखना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसको कंबाइन करते हैं, इसी के साथ ही जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 उसको, और जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है 1946, इन सबको मिला के बनाए गए हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने नए लेबर रूल है वो इम्प्लीमेंट करने की बात की है, जो कि इन तीन एक्ट को मिला के बनाए गए हैं। इसमें देखो कुछ फैक्ट दिए गए हैं जैसे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। एक तो जैसे ये किया गया है कि जो कंपनी होती है वो कोई भी वर्कर को हायर करती है फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे मान लो कि XYZ कंपनी है, वो कोई भी वर्कर को हायर कर सकते हैं कि भाई हमें 6 महीने के लिए वर्कर है वो हायर करना है, तो कर सकते, कोई इशू नहीं है। नहीं, पहले क्या काफी सारी लिमिट्स वगैरह रहती थी, तो अब वो लिमिट नहीं रहेगी। इसी के साथ ही कुछ फैक्ट ये भी किए गए हैं। देखो पहले एक प्रावधान ये था कि कोई भी कंपनी अगर बंद हो रही है या खत्म, मतलब तरीके से आप उसको बंद किया जाना है, तो उसके लिए पहले हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। कंडीशन क्या है, अगर उस कंपनी में कम से कम 100 वर्कर या 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो और उस कंपनी को बंद करना हो, तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता था। विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल उस कंपनी को आप बंद नहीं कर सकते, तो इसमें काफी टाइम लग जाता था, तो इसलिए कंपनी बंद करना काफी मुश्किल है वो हो जाता था, क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही है, बंद करनी है तो अगला बंद तो करेगा ही ना ऑब्वियसली। तो अब क्या किया, गवर्नमेंट ने छूट दे दी है कि भाई वो गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और इसके बाद में वो कंपनी को बंद या बाइंड अप कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहा गया है नए जो रूल्स में कि अगर जैसे कोई भी कंपनी है वो वर्कर्स को हायर कर रही है सीजनल बेसिस पे, यानी कि 6 महीने के लिए हायर किया हो या फिर हो सकता है साल भर के लिए हायर किया हो, तो उस दौरान उस कंपनी को जो रेगुलर वर्कर को बेनिफिट होते हैं ना, वो सारे बेनिफिट देने होंगे उस वर्कर को जिसको 6 महीने या साल भर के लिए सीजन के बेसिस पे हायर है वो किया गया है, क्योंकि उसने काम तो पूरे टाइम किया है ना। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं कि रेगुलर वर्कर की तरह भी उसको ट्रीट है वो किया जा सके, ताकि जो हरासमेंट के केसेज हैं वो सामने ना आए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम या इनसेट के बारे में। देखो इनसेट है वो हमारे देश का एक सैटेलाइट सिस्टम है जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मतलब इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इन सैटेलाइट को लॉन्च है वो किया जाता है इसरो के द्वारा, ऑब्वियसली मेनली लॉन्च है वो किया जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कि इनका पर्पज क्या होता है इनसेट सैटेलाइट का। तो इनसेट सैटेलाइट है वो टेली कम्युनिकेशन पर्पज, ब्रॉडकास्टिंग और इसी के साथ ही मेट्रोलॉजी और जो रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं फ्लड वगैरह के दौरान, उन सब में इनका यूज है वो किया जाता है। न्यूज अभी ये थी कि इनसेट 3D और जो इनसेट 3D आर है ना, इनके जो सैटेलाइट है इनसे जो भी इमेज पेलोड सेंसर लगवा गए हैं उनसे अभी ये पता चला है कि गंगा वाला जो प्लेन एरिया और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो एरिया है ना, वहाँ पे अक्टूबर नवंबर के एरिया में जो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ यानी कि PM 2.5 और PM 10 की जो कंसेंट्रेशन या मात्रा थी ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिली है।
इनकी पोल्यूशन ज्यादा था, इस चीज का यहाँ पे प्रूव आप बोल सकते हो कि प्रूफ है वो दिया गया कि PM 2.5 और PM 10 काफी ज्यादा हो गई थी इन इन एरियो के ऊपर वाले इस एनवायरमेंट में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी IPRS। देखो यह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसके लेके, आर्टिस्ट होते हैं, जो भी म्यूजिक ओनर्स होते हैं वो, या फिर जो म्यूजिक को कंप्रेस करते हैं वो, या फिर जिसने भी गाने के लिरिक्स वगैरह लिखे हो गाए हों वो, इसी के साथ ही जो पब्लिशर्स वगैरह होते हैं म्यूजिक वगैरह को, उनको लेके ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया है। इस बॉडी को सेटअप किया गया था 1969 में, ये ध्यान रखना आपको। कॉपीराइट सोसाइटी 2017 है उसके तौर पे इसको रजिस्टर है वो किया गया था, तो ये एक छोटा सा फैक्ट आप ध्यान रखना कि कॉपीराइट सोसाइटी 2017 एक जो एक्ट है उसके तहत इंडियन परफॉर्मिंग जो राइट सोसाइटी है इसका निर्माण किया गया था। ये क्या करती है, ये जो बॉडी है ना वो रॉयल्टी कलेक्ट करती है। देखो कोई भी आर्टिस्ट है उसने मान लो कि न्यू ईयर पे कोई भी प्रोग्राम को अंजाम दिया और उससे 1 लाख रुपए की अर्निंग हुई है, तो उस 1 लाख रुपए की जो अर्निंग हो रही है, या फिर कोई भी रेडियो प्रोग्राम आया हो, कोई टीवी प्रोग्राम, तो उससे जितनी भी अर्निंग हो रही है ना, उस अर्निंग का एटलीस्ट कुछ हिस्सा, तो लगभग बात की जाती है 50%, जो 50% जो हिस्सा है ना वो जो उसका रियल ओनर मतलब जिसने वो गाना कंपोज किया है, जिसने वो गाना गाया है, उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उस पर्सन ने गाना बेच दिया हो, जैसे मान लो कि मैंने कोई गाना गाया और वो किसी को बेच दिया, किसी भी कंपनी को, XYZ को। अब ऐसा नहीं है कि XYZ कंपनी उसका सारा बेनिफिट लेगी, जब तक वो गाना चलेगा मार्केट में तब तक उसकी रॉयल्टी है वो कुछ ना कुछ मेरे को मिलती रहेगी। तो रॉयल्टी एक तो ये ध्यान रखना किसको मिलती है, रॉयल्टी जिस आदमी का वो काम है, जिसने आप बोल सकते हो कि वो गाना गाया, जिसने कोई भी बुक्स वगैरह लिखी है उसको मिलती है। जैसे मान लो कि किसी भी, जैसे मृणाल सर ने कोई बुक लिखी, तो उस बुक को लिखने के बाद जितने साल तक वो बुक बिकेगी मार्केट में, तो उसका कुछ हिस्सा, नहीं मान लो कि 5% हो सकता है, 10% जो भी गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू इस एक्ट, वो उसके मुताबिक वो रॉयल्टी का हिस्सा उनको मिलता रहेगा। नहीं, जितनी जितनी बुक्स मिलेंगी उसके हिसाब से उनको रॉयल्टी है वो मिलेगी। तो रॉयल्टी किसके पास जाती है, ध्यान रखना सरकार के पास नहीं जाती है, रॉयल्टी भी जिस भी आर्टिस्ट ने गाना लिखा है, म्यूजिक हो या भी इसके अलावा बुक्स वगैरह हो, उसको जाता है जिसके द्वारा वो चीज़ है वो कंपोज की गई है। तो IPRS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो 50% रॉयल्टी कलेक्ट करेगी अगर किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी प्रोग्राम वगैरह मतलब पब्लिश किया गया है या फिर, और उसके बाद में वो जो रॉयल्टी है वो उस पर्सन को सुनिश्चित करे कि भैया आपको मिले। ऐसा नहीं है कि आप कॉपीराइट ले लिया तो कंपनी अपनी मनमर्जी कर सकें। जैसे देखो टी सीरीज वगैरह होती हैं, ये आपको बताया गाने के लिए कॉपीराइट लेती हैं कि कोई और गाना पब्लिश ना कर पाए, बट ऐसा नहीं है कि फिर सारा रेवेन्यू टी सीरीज के पास जाएगा, कुछ रॉयल्टी है वो जिस पर्सन ने गाना गया है उसके पास जाती रहेगी। ये ध्यान रखना कि जो IPRS है इसमें सिविल और जो क्रिमिनल रेमेडीज है इनके प्रावधान किया गया है कॉपीराइट एक्ट के तहत। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया था कॉपीराइट एक्ट 1957 में, और इसमें ये प्राव चेंजेस किया गया था कि भाई जो 50% रॉयल्टी है ना जिस भी पर्सन का गाना वगैरह ऐसी चीजें हैं वो उस पर्सन को मिले जिसने वो चीज कंपोज की है। ऐसा नहीं कि आप उस पर कॉपीराइट लगा दो कि नहीं भी अब तो हमने खरीद लिया, बात खरीदने की नहीं है, उस पर्सन को तो वो हिस्सा मिलेगा ही। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, आज काफी ज्यादा आर्टिकल थे उनको हमने कवर कर लिया, अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिशन इंद्रधनुष के बारे में जाना, इसके बाद ही हमने मिशन इंद्रधनुष का एक सेकंड वर्जन था यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, और फिर हमने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का जो एक सेकंड वर्जन और आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कंप्लीट जो टीकाकरण अभियान के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ ही हमने साइबर क्राइम को लेकर बुदापेस्ट कन्वेंशन है उसके बारे में डिस्कस किया, जो कि खैर अभी तक एक्टिव फॉर्म में सही ढंग से नहीं आई हुई है। इसी के साथ हमने जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है इंडिया की, जो कि इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम था 1980-83 के टाइम का, उसकी पहला एक्सपेरिमेंट था, पहली मिसाइल डेवलप की गई थी इंडिया के द्वारा स्वदेशी। इसके बाद हमने बैक्टीरियोफेजेस के बारे में जाना कि बैक्टीरियोफेजेस हैं वो एक टाइप के वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं। इसके बाद हमने हांगकांग कन्वेंशन के बारे में जाना कि हांगकांग कन्वेंशन है वो जो शिप इंडस्ट्री है इसको रेगुलेट करने के लिए कि भाई एनवायरमेंट पे लॉस ना हो उसकी वजह से किस तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है उसके लिए जारी की गई है। और हमने फिर यहाँ पे देखा 3S प्रोग्राम के बारे में कि WHO का एक 3S प्रोग्राम है, स्मार्ट सेफ्टी सर्विलेंस प्रोग्राम, जिसके तहत टीकाकरण अभियान पे फोकस किया जाता है और गवर्नमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ हमने एक ततैये की नई प्रजाति के बारे में जाना कि दिस इल्बा जो कि दूसरे ततैयों के जो अंडे होते हैं उनमें अपना जीवन है वो व्यापन करता है। और फिर हमने यहाँ पे देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवारिक्पा के बारे में, जो कि एक ट्रीटमेंट की एक थेरेपी है आयुर्वेद की तरह, जो कि तिब्बत से ओरिजिन हुई थी
और अभी उसको लेके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया जा रहा है लेह लद्दाख के एरिया में। इसके बाद में हमने लेबर कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में जाना कि गवर्नमेंट ने अभी नए रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस किए हैं। इसी के साथ हमने इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम यानी कि इनसेट सेटेलाइट के बारे में जाना, जो कि जियो स्टेशन सेटेलाइट होते हैं जिनका यूज है वो टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, इसी के साथ ही हम बात करें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका यूज है वो किया जाता है। फिर हमने इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के बारे में जाना, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिक ओनर्स होते हैं, उनको यह रिप्रेजेंट है वो करती है। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।